टैबलेट अमूमन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कराई जाती है। अक्सर पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें एमरजेंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल कैफोटिन टैबलेट जबान के नीचे रखवा दी जाती है। इस टैबलेट का फ़ायदा कितना होता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसे जबान के नीचे रखना फ़ायदेमंद है या नहीं है, इस टैबलेट का तरीका इस्तेमाल क्या है, किस किस कंडीशन में हम इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कम्प्लीट बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है आप तक पहुँचती रहे। अगर हम इस टैबलेट के यूज़ की बात करें, ये हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट यूज़ कराई जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो आप ये टैबलेट यूज़ करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसके साथ ये टैबलेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें इस टैबलेट को किडनी के प्रॉब्लम में इस्तेमाल कराया जाता है। अगर हम बात करें कि इस टैबलेट को आपने यूज़ कैसे करना है, तरीका इस्तेमाल इस टैबलेट का क्या है, आपने सबसे पहले अपना बीपी यानी ब्लड प्रेशर चेक कराना है। अगर आपका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो तो आपने फिर डॉक्टर से रिकमेंड की हुई ये टैबलेट आपने यूज़ करनी है। इसे अपनी ज़बान के नीचे रख देना है, आपको 15 से 20 मिनट में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपका बीपी जो 160 पे 170 पे पहुंचा होगा वो 120 130 पर पहुंच जाएगा इस टैबलेट को यूज़ करने से। ये टैबलेट 25 mg में भी अवेलेबल होती है और 50 mg में भी, किसी भी स्टोर या फार्मेसी से ये टैबलेट मिल सकती है। अगर हम इस टैबलेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, इसमें पाया जाता है कैप्टोप्रिल। अगर हम इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें कि इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको खुश्क खांसी भी हो सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट, कॉमन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर हम इस टैबलेट की प्राइस की बात करें, 462 रुपीज़ की ये फुल डब्बी है।